टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है टेम्परेचर। वी मेजर द अमाउंट ऑफ हीट पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस। इट इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने के लिए हमें टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का मापना पड़ता है। उसको मापने के लिए हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं, और टेम्परेचर की वन ऑफ द यूनिट है सेल्सियस। इसकी बाकी यूनिट्स हैं फ़ारेनहाइट, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ केल्विन, जिसको कि हम के से डिनोट करते हैं। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, देर आर थ्री यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। केल्विन इज दी वन ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को। द कॉन्सेप्ट ऑफ द केल्विन स्केल इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। द जीरो इन द केल्विन स्केल इज द पॉइंट एट विच द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। हम यहाँ दो टर्म्स को एक एक करके समझेंगे। एक तो होता है हॉटनेस और दूसरा होता है कोल्डनेस, इसका अपोजिट। अगर मैं कहूं कि हॉटनेस एक फिजिकल टर्म है लेकिन कोल्डनेस एक फिजिकल टर्म नहीं है। हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू एन इनफाइनाइटली ह्यूज वैल्यू, लेकिन कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट की इट कैन नॉट बी कीप ऑन इंक्रीजिंग और कीप ऑन डिक्रीजिंग, वट एवर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम समझे। तो कोल्डनेस को आप बढ़ाते नहीं रह सकते या कोल्डनेस डिक्रीज ही नहीं होती रह सकती। इसका मतलब हॉटनेस के केस में हम जानते हैं कि कई चीज़ों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, साथ ही साथ 200 डिग्री सेल्सियस, ये बढ़ता रहता है। 1,00,000 डिग्री सेल्सियस भी रहता है किसी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। सन के केस में हम जानते हैं कि सन का टेम्परेचर 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सन के कोर के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ना कि सरफेस का। सन की जो सरफेस का टेम्परेचर वो लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन सन के कोर का टेम्परेचर 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो टेम्परेचर है इट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस। सो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसके बारे में हम अभी बात कर चुके। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस कैन नॉट बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसीलिए हमने इसे फिजिकल टर्म नहीं माना है। कोल्डनेस है बेसिकली एब्सेंस ऑफ हीट। तो हॉटनेस और कोल्डनेस में से केवल हॉटनेस ही फिजिकल टर्म है। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता। हालांकि कुछ एक साइंटिफिक खोजें हुई हैं जिसमें माना गया है कि किसी एक पर्टिकुलर गैस है जिसका कि टेम्परेचर 0 केल्विन से भी नीचे शो हुआ है, लेकिन अगर हम जनरल टर्म में बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता। इसीलिए 0 केल्विन को हमने एब्सोल्यूट 0 कहा है। जितनी भी गैसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे आके ख़त्म हो जाते हैं, और 0 केल्विन को ही केल्विन स्केल पे स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 0 केल्विन। केल्विन टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। केल्विन स्केल पे कोई भी टेम्परेचर 0 से स्टार्ट होकर ये इन्फाइनाइटली ह्यूज अमाउंट तक कहीं तक भी जा सकता है, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। यही केल्विन स्केल की खासियत है। इस स्केल पे केवल एक ही रेफरेंस पॉइंट है, ओनली वन रेफरेंस पॉइंट इज देयर ऑन केल्विन स्केल। सो केल्विन को ही आगे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड आफ्टर ए सर्टेन डिग्री, दैट सर्टेन डिग्री इज टर्म्ड एज 0 ऑन द केल्विन स्केल। दिस 0 पॉइंट इज दस कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। दिस स्केल हैज ओनली वन बेस पॉइंट या फिक्स पॉइंट, जिसे कि मैंने रेफरेंस पॉइंट भी कहा था। एब्सोल्यूट 0 इज इट्स द ओनली बेस पॉइंट। वहीं पे हम ट्रिपल पॉइंट की बात कर लेते हैं ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल पे 273.16 डिग्री होता है, और केल्विन स्केल का जो सिंबल है वो हम डिनोट करते हैं के से। यहाँ पर एक पॉइंट आया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर की एक खासियत होती है कि वो एक निश्चित टेम्परेचर पे तीनों स्टेट्स में मिल सकता है। तो स्टेट्स तो हमें पता ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। सेम टाइम ऑन द सेम टेम्परेचर, उसी पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ट्रिपल पॉइंट अगर पढ़ते हैं तो उसका मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे वो ऑब्जेक्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। पानी के केस में वो है 273.16 डिग्री केल्विन, यहाँ पर बात हो रही है। तो
तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये 0.01 डिग्री सेल्सियस आता है। इस टेम्परेचर पर पानी इन तीनों स्टेट्स में हमें मिल सकता है, इसलिए इसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। सेल्सियस, द सेल्सियस स्केल हैज टू फिक्स्ड पॉइंट। केल्विन के केस में हमने पढ़ा केवल एक ही फिक्स पॉइंट था और वो था एब्सोल्यूट जीरो, लेकिन सेल्सियस के केस में सेल्सियस के दो फिक्स पॉइंट था, वन इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 और 100 कहां से आए इसको हम आगे समझते हैं। द 0 डिग्री सेल्सियस इज फिक्स्ड एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज फिक्स्ड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस स्केल के लिए दो फिक्स पॉइंट रखे गए, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस के केस में हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने केल्विन में पढ़ा था कि केल्विन में पानी का ट्रिपल पॉइंट था, ट्रिपल पॉइंट पे वो सॉलिड भी होता है, तो इट वाज 273.16 केल्विन। लेकिन यहां सेल्सियस के केस में पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को लिया गया केल्विन में ही और इसको इक्वल कर दिया गया 0 के, और उस 0 को वन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट माना गया सेल्सियस स्केल पे, और जो दूसरा फिक्स पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आया पानी के बॉइलिंग पॉइंट को नापकर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच के हिस्से को एक एक डिग्री के 100 हिस्सों में बांट दिया गया। इसकी एक खासियत और थी कि ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल उतने ही थे जितने कि वो केल्विन स्केल पे होते, तो केल्विन स्केल पर भी जब 0.0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर रखा गया 273.16 केल्विन, तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल हो गया 273.16 प्लस 100, तो ये एग्जैक्टली 100 ही ऐड किया केल्विन में भी, तो ये बनता है 373.16 केल्विन। 0 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में 6 पॉइंट का अगर हम डिफरेंस निकाले तो वो होता है 273.16 केल्विन, लेकिन उसके आगे फिर इन दोनों टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक बार अगर हम केल्विन स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएं, तो उसके बाद आगे का टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस दोनों ही स्केल पे इक्वल ही रहता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिग्री बिटवीन 0 टू 100 इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द केल्विन स्केल। दिस स्केल इज ऑल्सो नोन एज सेंटीग्रेड स्केल, इट्स यूनिट सिंबल इज डिग्री केल्विन। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल इज 0.01 डिग्री केल्विन एंड एब्सोल्यूट जीरो ऑन द सेल्सियस स्केल इज -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हम यहां से वापस जाएंगे 0 केल्विन की तरफ, तो हम -273.16 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे 0 केल्विन तक। तो क्या हम इससे ज्यादा डाउन जा सकते हैं? जी नहीं, इस पॉइंट से कम कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या 280 डिग्री सेल्सियस माइनस में किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। आंसर है इसका कि किसी भी नॉन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता, जिसको कि हमने एब्सोल्यूट 0 माना है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता, इसका मतलब उसका टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे नहीं हो सकता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट -280 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। फ़ारेनहाइट एक तीसरी ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, और इसमें भी दो फिक्स पॉइंट रखे गए हैं। पहला फिक्स पॉइंट रखा गया है अगेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे, लेकिन इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री पे ना मानकर माना गया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और वहीं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माना गया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जितनी भी यूनिट्स हैं वो केल्विन और सेल्सियस के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में सेल्सियस और केल्विन दोनों स्केल के अंदर केवल 100 डिग्री का ही डिफरेंस आता है। तो इसकी बीच की यूनिट्स भी ना तो केल्विन के इक्वल हो सकती हैं और ना ही सेल्सियस के इक्वल हो सकती हैं, लेकिन हमने पढ़ा था केल्विन और सेल्सियस के बीच की जितनी भी डिग्रीज हैं वो एकदम बराबर होती हैं। इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन के बीच का जो गैप है वो इक्वल है, लेकिन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 केल्विन इनके बीच के गैप के बराबर नहीं है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का गैप।
अब क्योंकि ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, उसको हम आगे देख लेते हैं। सेल्सियस एंड फारेनहाइट इक्वेशन। द फारेनहाइट स्केल इज यूज मोस्टली इन यूएस एंड सम ऑफ द कैरिबियन कंट्रीज, वेयर एज द सेल्सियस स्केल इज यूज वर्ल्ड वाइड। द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम फारेनहाइट टू केल्विन और वाइस वर्सा इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वो इक्वेशन है एफ इक्वल्स टू 9/5 इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा गिवन सेल्सियस से, और इसमें हम 32 ऐड कर देंगे। वहीं अगर हमें सेल्सियस ना देकर फारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है और हमें उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट लाइक दिस, एफ 9/5 सी, और ये प्लस का 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा, सो वी विल राइट एफ माइनस 32। साथ ही साथ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इधर, देन इट विल बिकम 9-32 होल टर्म मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 9 सी। सो अगली बार क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट में एफ माइनस 32। तो यहां पर इस पूरे टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। अगर आपको सेल्सियस दिया है और फारेनहाइट निकालना है, यू विल यूज दिस इक्वेशन। अगर आपको फारेनहाइट दिया है और सेल्सियस निकालना है, सो यू विल यूज दिस इक्वेशन।